नमस्कार दोस्तों, मेरे और आपके चैनल में आपका स्वागत है, जहां मैं लेकर आते रहता हूं देश दुनिया की चटपटी खबरें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और घंटी को दबा दें, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, प्रणाम। हम के सर लैला द्रो, सबके बेटा रो, सबके भाई, जितना भी लोग हमके प्यार कर रहा, सबके गोड़ छुके गोड़ लगता नहीं। और काल हम काले रहने की न फेस से डल रहने एज से कि हम कल 9 बजे लाइव आए। और काल हम सो रहे हैं बबुरा में, बजरुखी गांव में। बहुत अच्छा लगल हमके, बहुत प्यार मिलल। और हाँ, नोएडा में सो रहे भैया, बहुत अच्छा लगल हो जी, बहुत प्यार मिलल। बड़ा प्यारे लोग हैं आप सब। कल भी 1.5 से 2 लाख की भीड़ थी और इतना मोहब्बत मिला मुझे कि दिल खोल के गाया कल। बहुत मेहनत किया मैं, 5 घंटा गाते रह गया, थक ही नहीं रहा था कल मैं, और कैसे थक सकता हूँ। आप सबका प्यार जो है मेरे ऊपर, बस आप लोगों की प्यार की जरूरत है। मैं आज 1 माह आ रहा हूँ अपने छपरा, मेरे छपरा जिला में 1 माह है। 40-50 घर जल चुके हैं, वहाँ राख हो गए हैं, और बस थोड़ी सी एक मदद लेने, मैं आशीर्वाद लेने जा रहा हूँ, ताकि कुछ तो मदद उनकी कर सकूँ मैं। तो बस आप सबकी हिम्मत देने की ज़रूरत है खेसारी को, कि आप हिम्मत दीजिए खेसारी को, ताकि उन लोगों के घर बनाने में मेरा कुछ मदद, कुछ हेल्प हो जाए, मैं हेल्प कर सकूं। मैं जो भी करता हूं बस सिर्फ आप सबके मोहब्बत के लिए करता हूं। अरुण भैया, लव यू। छठी मैया की ढेर सारी शुभकामना आपको भी। तो बहुत सारे घर वहां जल के राख हो गए हैं। तो एक छोटा सा प्रयास उनकी मदद के लिए जा रहे हैं हम सब। मैं अभी पटना में हूँ और मैं 4 बजे सुबह आया हूँ सो करके, और 5 बजे सोया हूँ। आज 7 दिन से ये काम है बामर, सूते तो नहीं कि खाली फ्लाइट में सूते के मिला था भैया। जिंदगी के 2-4 घंटा निकाल दिले अपने जनता के हेल्प खाती। बस कोशिश रहती है भाई राहुल भैया, जो हम अच्छा करें, जिस जनता के पैसे से हम आज बड़े बने हैं, अगर वो जनता मुसीबत में है तो हम सबका दायित्व बनता है कि हम आकर उस मुसीबत को अपना मुसीबत समझ के थोड़ी एक मदद कर दें। और हल्का हल्का हर आदमी अगर मदद करेगा ना, तो गरीब होने का एहसास किसी गरीब को नहीं होगा। गरीबी हो, गरीब होना कोई पै नहीं है, लेकिन बस अगर हम उस काबिल हैं तो हर उस आदमी को आगे आकर हर आदमी का हेल्प करना चाहिए, ताकि जीवन में हम अपने परिवार, अपनी फैमिली के लिए और अपने लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जो जनता हमें बनाती है, कभी कभी मौका मिलता है कुछ कर गुजरने का, तो ईश्वर ने दिया है तो बिल्कुल हर आदमी को आगे आना चाहिए, अगर आप सक्षम हैं। ये मेरा वीडियो बनाने का यही मतलब था, कि बाकी कुछ नहीं। मैं अब सोशल काम करता हूँ तो आप सबको बताता हूँ, ताकि ये देखकर अगर ये मेरा करता हुआ देखकर अगर कोई भी आदमी आगे आकर किसी भी मेरे भाई, किसी भी लाचार आदमी के लिए कुछ करता है, तो वो सार्थक होगा जिंदगी जीने का।
बाकी कोई जरिया नहीं है, और आज ये नेट का ज़माना है, कोई भी बातें रखने के लिए अब इससे बड़ा आसान कोई चीज़ नहीं है। लोग कहते हैं कि कोई भी आदमी किसी को दान करता है तो उसको चुपके से करना चाहिए। हाँ बिल्कुल करना चाहिए, गुप्त दान महादान होता है। लेकिन मुझे बताने की इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि गुप्त दान कर दूंगा तो शायद जागरूकता नहीं होगी। जागरूक करने के लिए अगर हम आगे आते हैं तो हमें लोगों को बताना भी ज़रूरी है, ताकि और लोग भी इससे सीख मिले, और लोग भी इसको करने का काम करें। क्या यार, एक छोटा सा बालक हम जिसको हम लोगों ने बनाया, आप सबने मुझे बनाया, और आपने मुझे चंदा देकर जितना भी दिया मुझे, 10 रुपए की औकात नहीं लेकिन 10 लाख की औकात बना दिया आपने, तो एक प्रयास रहती है। और इसको देखकर अगर हर लोग आएंगे, गरीब के मदद करेंगे, तो शायद आज वही गरीब ने खेसारी को बनाया है, बड़े बड़े नेताओं को बनाया है। तो हमें गरीबी हटाना है, थोड़ी छोटा छोटा प्रयास अगर हर आदमी कर दे तो। जिनको घर नहीं हुआ है, जल गया है, जिनके घर में आज रहने के लिए कोई जगह नहीं है, जगह तो है लेकिन वो छत नहीं है, तो एक छोटा सा प्रयास हम कर रहे हैं। अब भी मैं चाहूँगा कि हर आदमी आगे आए घर और ये प्रयास जारी रखें, और उनको मदद मिल जाए। तिलकार छपिया एक गांव है, एक माँ के बगल में यह हादसा हुआ है। ऐसे भी हम छठ पूजा में अपने घर से बहुत सारे नारियल ऊख फल सामग्री छठ मैया के बांटते हैं, लेकिन इस साल हम नहीं बांट रहे हैं। इस साल हम सिर्फ चाहते हैं कि उनका मदद करें ताकि उनके घर में छठ हो सके। संभव तो नहीं है, क्योंकि जिस घर में कोसी भरा जाएगा वो घर ही नहीं है। तो बस एक प्रयास कर रहे हैं हम लोग। मैं चाहूँगा कि हर आदमी आए उस गांव के लिए, उस घरों के लिए सोचे और आगे आए और कुछ करें। तो बस मैं पटना से अभी निकलूँगा और आ रहा हूँ तिलकार छपिया एकमा में। तो प्लीज़ आप मुझे हिम्मत दीजिए, शक्ति दीजिए कि मैं आगे भी ऐसा करता रहूं और आप सबका प्यार लेता रहूं, और आप सबके बीच में रहने में ही तो एक अजीब सी खुशी है। अब भोजपुरी या हिंदी जो भी हो, लोग आज एक परिवार की तरह आप सबका प्यार बन गया है मेरे लिए। मेरे परिवार कहाँ है समझ में नहीं आता, लेकिन आज समझ में आता है कि मेरा परिवार मेरा भाषा है, मेरे वो लोग हैं जो मुझे इतनी प्यार करते हैं, तो बड़ी मोहब्बत करते हैं हम आपसे। और हम कल दिल्ली आ रहे हैं, मेरा नागलोई में प्रोग्राम है, नागलोई के बगल में ही, तो कल दिन में भी है रात में भी है, तो मैं वहाँ भी जा रहा हूँ। तो मेहनत इसीलिए करता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाऊँ और आप सबकी मदद करूँ, अगर आपकी ज़रूरत है तो। कोशिश रहती है, तो मैं जितने भी लोग हैं सबसे बस रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप सक्षम हैं तो प्लीज़ आगे आइए। विकास सिंह जी, ढेर सारी शुभकामना विकास भैया। भाई लोग प्लीज़ अभी फ़ोन मत करिए आप लोग, मैं अपने भाइयों से बात कर रहा हूँ। बस आप बिल्कुल, आप सबका प्यार है तभी मैं मदद करने में सक्षम हूँ, नहीं तो किसी दिन तो ऐसा भी था कि मेरी औकात 10 रुपये की नहीं थी, और आप लोगों का प्यार ने मुझे उस काबिल बनाया है कि मैं मदद कर सकता हूँ जितना भी करूँ। बस कोशिश रहती है कि आप लोगों ने जिस काबिल मुझे बनाया है, मैं अपना आप सबका कर्जा तो नहीं चुका सकता। कोशिश रहती है कि हर पल कुछ अलग करें हम, हर भाई के दुख में रहें हम, सुख में तो पूरी दुनिया रहती है। तो प्लीज़ अगर आप सक्षम हैं तो आप लोग भी, जितने भी लोग मेरे भाई हैं, थोड़ा थोड़ा अगर हम प्रयास करेंगे ना, तो अपने भाई का ही मदद करेंगे, अपने लोगों का ही मदद करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा प्रयास आप ज़रूर करिएगा,
बुलेट राइडर लव यू भाई, आशीष मिश्रा जी गोड़ लगत नहीं बाबा, सबके प्रणाम। बस आप सबका प्यार है, बाकी ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखिए अपने भाई पे, अपने इस बेटा पे, और ढेर सारा प्यार देते रहिए, ठीक है। मैं आया था यहाँ पे शो करने, और मेरे एक सिनेमा रिलीज हो रहा है, कल रिलीज हो रहा है एक सिनेमा, जिस सिनेमा का नाम है नागदेव, तो आप ढेर सारा प्यार दीजिएगा उसको, क्योंकि आप लोग प्यार देते हैं तभी हम 2 पैसे कमा पाते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सिनेमा देखते हैं तो हम कमा पाते हैं, और उसी कमाई से आप सबकी जिसकी ज़रूरत है थोड़ा मदद करने के काम भी कर लेते हैं। तो आप जितना देखेंगे उतना ही हम भी मदद करेंगे, जब तक जान रहेगी, नहीं भी रहेगा तो भी कोशिश करेंगे कि अपने की कम अपनी कमाई से कुछ परसेंट आप सबके लिए कभी कभी खर्चा करते रहें। ईश्वर ना करे कि ऐसा दिन आए आप सबके लिए, लेकिन अगर आए तो हम खड़े रहें। बस यही शुभकामना देता हूँ कि आप सबके जीवन में कोई तकलीफ ना हो, और छठ मैया की ढेर सारी शुभकामना हमारे पूरे समाज को जो ये छठ मना रहे हैं, चाहे वो जिस प्रदेश में हो, जिस देश में हो, उनके लिए छठी मैया का ढेर सारी शुभकामना, छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामना, नए साल की ढेर सारी शुभकामना, कि आप लोग ऐसे ही आबाद रहिए और आप सबके जीवन में कभी गम ना आए, और ढेर सारी खुशियाँ के साथ आपके जीवन चले। सबको ढेर सारी शुभकामना, दिल से प्यार, कि आप लोग ऐसे ही प्यार अपने भाई को दीजिए, नागदेव को दीजिए, और मुझे हिम्मत दीजिए कि मैं ऐसा ही आप सबके प्यार के लिए कुछ करता रहूं, आपके दुखों में रहूं। बस ताकत की ज़रूरत है, और मेरा ताकत और मेरी ऊर्जा आप सब हैं जिन लोगों ने मुझे बनाया है। तो सबको प्रणाम, दिल से थैंक यू। अब मैं थोड़ा सा जा रहा हूँ ना आने, फिर मैं निकलूँगा, जाना है एक माह छपरा के लिए। तो ऐसे ही प्यार दीजिए मुझे, और ढेर सारा प्यार।